हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस लॉ सीरीज क्विक लॉ कॉन्सेप्ट क्विक लेक्चर सीरीज नंबर 3। आज के वीडियो में मैं हिंदू लॉ के बारे में बात करने वाली हूं और हिंदू लॉ में मैं हिंदू वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट के बारे में डील करूंगी, बताऊंगी कि हिंदू वुमेन की प्रॉपर्टी राइट क्या है, इस वक्त एट प्रेजेंट क्या है। 1956 वाले हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 आया था, उससे पहले उनकी कंडीशन क्या थी और उसके बाद उनकी कंडीशन क्या है और आज उनकी कंडीशन क्या है। हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर ये बहुत पूरी तरीके से चेंज हो गया है 1956 के बाद से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग वुमेन्स राइट ऑफ हिंदू वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट, पहले हम जान लें कि सक्सेशन है क्या। पहले ये जान तो लें कि हम सक्सेशन है क्या, हम क्यों पढ़ रहे हैं हिंदू वुमेन का प्रॉपर्टी राइट, क्यों? क्योंकि सक्सेशन के लिए पढ़ रहे हैं कि उसकी प्रॉपर्टी के राइट क्या है। तो हम क्यों उसकी प्रॉपर्टी के राइट जानना चाहते हैं, क्योंकि हमें उसे सक्सेशन में देना है। सक्सेशन क्या है? द मॉडर्न हिंदू लॉ ऑफ सक्सेशन इज मच सिंपलियर देन ओल्ड हिंदू लॉ। जो पहले हमारे हिंदू लॉ थे, ओल्ड हिंदू लॉ थे, धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग हम चीज़ें करते थे और जो कस्टमरी हिंदू लॉ थे उनसे जो आज का हिंदू सक्सेशन एक्ट है जो कोडिफाइड कर दिया गया था 1956 में, विच केम इनटू इफेक्ट इन 17th जून, हिंदू सक्सेशन एक्ट लेज डाउन यूनिफॉर्म लॉ ऑफ सक्सेशन फॉर ऑल हिंदूज। ओल्ड हिंदू लॉ एंड कस्टमरी लॉ ऑफ सक्सेशन स्टैंड एब्रोगेटेड। मतलब जब हिंदू सक्सेशन एक्ट आया, इसने पूरा कोडिफाई कर दिया हिंदू लॉ ऑफ सक्सेशन को, जो पहले से चल रहे थे, कस्टमरी थे, धर्मशास्त्र में जो वैलिड थे उनको इन्होंने कोडिफाइड कर दिया और हिंदू सक्सेशन एक्ट आ गया। और जो पहले के ओल्ड हिंदू लॉ थे और सक्सेशन और कस्टमरी लॉ थे वो अब नहीं रहे, अब वो डिस्पर्स हो गए। द हिंदू सक्सेशन एक्ट प्रिजर्व द ड्यूअल मोड ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर द मिताक्षरा स्कूल। मतलब दो तरीके से प्रॉपर्टी की डिवोल्यूशन होती है, जैसे कि वो प्रॉपर्टी जब मरता है कोई पर्सन, जो जिसके लिए सक्सेशन ओपन होती है, सक्सेशन हमेशा किसी इंसान के डेथ पे ही ओपन होती है, उससे पहले कभी ओपन नहीं हो सकती है, भले वो सर्वाइवरशिप से जाए या इनहेरिटेंस से जाए। तो मिताक्षरा स्कूल है, दो स्कूल है हिंदू लॉ के, एक मिताक्षरा स्कूल है और दयाभागा स्कूल है। जो मिताक्षरा स्कूल है वो काइंड ऑफ थोड़ा ऑर्थोडॉक्स है और जो दयाभाग है वो प्रोग्रेसिव स्कूल है। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट ने दोनों ही मोड जो थे डिवोल्यूशन के, बाय सर्वाइवरशिप और एंड बाय इनहेरिटेंस, दोनों ही मोड को रखा है, दो अलग अलग सेक्शन में दिया है। द ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी स्टिल डिवॉल्व्स बाय सर्वाइवरशिप विद द इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन, जैसे कि मिताक्षरा स्कूल में अभी भी जब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो उसमें अभी भी जो प्रॉपर्टी है वो सर्वाइवरशिप से जाएगी। सर्वाइवरशिप का ये मतलब होता है कि इनहेरिटेंस से नहीं जाएगी, कोपार्शनरी प्रॉपर्टी होती है और जो जो सर्वाइवर होते हैं ये उनको जाती है, उनके बच्चे, उनके बच्चे, विडो, ये सबको नहीं जाती है। जो कोपार्शनरी में पार्टनर होते हैं, माने तीन कोपार्शनर है तो एक कोई मरता है तो जो पूरी प्रॉपर्टी होगी वो दोनों को जाएगी, ना कि उसके जो मरा है, जो जिसकी प्रॉपर्टी, जो मरा है, जो कोपार्शनर था उसकी प्रॉपर्टी उसके बीवी बच्चे इन सब पे नहीं जाएगी, जो कोपार्शनर है साथ में ये प्रॉपर्टी उनको जाएगी। तो बस हिंदू सक्सेशन एक्ट ने 9 एक्सेप्शंस रखे हैं, दिए हैं सक्सेशन एक्ट में, जबकि जब कोई एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पर्सन की डेथ होती है, वो कोपार्शनर है, तो उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस से जाएगी, ना कि सर्वाइवरशिप से जाएगी। ये 9 एक्सेप्शंस हैं। वेन मिताक्षरा कोपार्शनर डाइज लिविंग बिहाइंड माँ, मदर, विडो, विधवा, डॉटर, बेटी, डॉटर्स डॉटर, सन्स डॉटर, सन्स सन्स डॉटर, सन्स विडो, सन्स सन्स विडो एंड डॉटर सन, ये सक्सेशन के थ्रू डिवॉल्व होंगे, ना कि सर्वाइवरशिप से। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है, इज बेस्ड ऑन द रूल ऑफ सक्सेशन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपिंक्विटी, दैट इज प्रिफरेंस ऑफ एयर्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोक्सिमिटी ऑफ रिलेशनशिप। प्रोक्सिमिटी ऑफ रिलेशनशिप क्या है? डॉक्ट्रिन प्रिंसिपल ऑफ प्रोपिंक्विटी क्या है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये हिंदू सक्सेशन बात करता है कि इस प्रिंसिपल पे बेस ही प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी, कि कौन रिश्ते में सबसे
पास है, प्रॉक्सिमिटी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ए पर्सन हु डाइड इन टेस्ट। ओके, इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं कि इंटेस्टेट एंड टेस्टामेंट्री सक्सेशन क्या होती है। दो तरह की होती है सक्सेशन, टेस्टामेंट्री एंड इंटेस्टेट। जब एक पर्सन जिंदा होता है वो फ्री होता है अपनी प्रॉपर्टी कैसे भी किसी को देने के लिए, उसको कहते हैं कि दूसरे पे बिक्वेट करने के लिए वो कैसे भी कर सकता है, बाय विल कर सकता है, बाय गिफ्ट कर सकता है, कैसे भी किसी को दे सकता है। ये वो अपने जीते जी ये बता सकता है कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी और किनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इस जब कोई मरता है और अपनी विल लिख के मरता है तो इसे कहते हैं टेस्टामेंटरी सक्सेशन। द लॉ ऑफ टेस्टामेंट सक्सेशन इज कंसर्न हाउ बेस्ट द इफेक्ट कुड बी गिवन टू द विशेस ऑफ टेस्टर, दैट इज अ पर्सन हु मेड द विल। जो टेस्टामेंटरी सक्सेशन है वो कोशिश करता है कि जब जो इंसान कोई विल लिख के गया तो बेस्ट पॉसिबल इफेक्ट दिया जाए उसके लिखे हुए विल को, कि उसकी प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होनी चाहिए उसके मरने के बाद। मैं फिर से बता दूं, सक्सेशन हमेशा इंसान के मरने पे ही स्टार्ट होता है, ना कि उससे पहले, ना ही उसके बाद। उसके मरने से ही सक्सेशन ओपन होता है। अब इंटरस्टेट सक्सेशन क्या है, पहले तो इंटरस्टेट जान लीजिए। व्हाट इज इंटरस्टेट? ए पर्सन हु डाइज विदाउट मेकिंग अ विल। जब वो मरता है तो उसने अपनी प्रॉपर्टी विल से नहीं दी हुई थी दूसरों को, अभी पता नहीं होता किस पे ये प्रॉपर्टी जाएगी। इफ द पर्सन डाइज विदाउट लिविंग अ विल, इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस टू डिटरमाइन द पर्सन हु विल टेक हिज प्रॉपर्टी। द लॉ ऑफ इंटरस्टेट सक्सेशन इज कंसर्न्ड विद मैटर्स सच एज हु आर द पर्सन एंटाइटल्ड टू टेक प्रॉपर्टी, दैट इज हु आर द हेयर्स, व्हाट आर द रूल ऑफ प्रेफरेंस अमॉन्ग द वेरियस रिलेशन एक्सेट्रा। इंटरसेक्शन क्या कहता है कि जब एक पर्सन इंटरस्टेट मरता है, जब बिना किसी विल के मरता है, तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होनी चाहिए और किन पे डिवॉल्व होनी चाहिए। तो रूल ऑफ प्रोपिंक्विटी ही अप्लीकेबल मोस्टली इस पे होती है कि प्रॉक्सिमिटी ऑफ रिलेशनशिप कौन कितने पास है और उन पे दिया जाता है। और मेन काम होता है इंटरसेक्शन का ये जानना कि ये प्रॉपर्टी जो इंटरसेक्शन कैसे डिवॉल्व होगी, कौन कौन एयर होंगे, कौन पार्टी होगी, किसके प्रेफरेंस में किसको प्रॉपर्टी दी जाएगी, कितना शेयर किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो आज का मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो मेन टॉपिक था हिंदू वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट, जो सेक्शन 14 में दिया हुआ है हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में, मैंने आपको सक्सेशन इसलिए बताया क्योंकि इसका रेलिवेंसी तभी है जब हम सक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। हम ये टॉपिक इसलिए पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ हिंदू वुमेन्स प्रॉपर्टी, क्योंकि ये एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक है। वो ऑलमोस्ट हर अल्टरनेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हिंदू वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट बताइए जो सेक्शन 14 में दिया हुआ है, या प्री 1956 एक्ट के पहले का सिचुएशन थी वुमेन प्रॉपर्टी राइट की और उसके बाद की, तो उनका फेवरेट है वो। कभी कभी तो कंसिक्वेंटली एग्जाम में पूछ लेते हैं कि 2016 में पूछा था, 17 में पूछ लेते हैं, तो ये इनका फेवरेट क्वेश्चन है। तो मैंने एक आपको रफ आइडिया दे दिया, मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ व्हाट इज सक्सेशन, ये तो इस पे अलग ही लेक्चर मुझे देना होगा। तो बता दिया कि दो तरह के सक्सेशन होते हैं, टेस्टामेंटरी सक्सेशन जो सेक्शन 30 में दिया हुआ है हिंदू सक्सेशन एक्ट के, और इंटरसेक्शन तो हम डील करने जा रहे हैं इंटरस्टेट सक्सेशन इन दिस वीडियो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। तो कंडीशन क्या आती है आफ्टर इंडिपेंडेंस 1956 में कोडिफिकेशन हुआ हिंदू सक्सेशन एक्ट का, उस वक्त और भी हो रहे थे, हिंदू मैरिज एक्ट भी हो रहा था, सारे ही हिंदू लॉ थे जो तब तक कस्टमरी थे और ट्रेडिशन पे बेस्ड थे और धर्मशास्त्र बेस्ड थे, उन्हें कोडिफाइड करने का काम चला और जो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे उन्हीं के अंडर सब कुछ चल रहा था। तब ये आया 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट आया। तो बिफोर 1956 एक्ट आने से पहले वुमेन्स प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड इंटू टू, स्त्री धन एंड वुमेन्स विडो स्टेट। जो स्त्री धन है इज हर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ओवर विच शी हैज फुल राइट ऑफ डिस्पोजल और एलिनिएशन। एग्जाम्पल जैसे कि गिफ्ट फ्रॉम रिलेशन, स्ट्रेंजर्स, प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाई सेल्फ एक्जर्शन, प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाई कॉम्प्रोमाइज, प्रॉपर्टी ऑब्टेन इन लू ऑफ मेंटेनेंस एक्सेट्रा। इसका ये मतलब होता है कि जो स्त्री धन होती है वो औरत की उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होती है, उस पर उसका एब्सोल्यूट ऑनरशिप होता है। एब्सोल्यूट ऑनरशिप का इस सेंस में समझने का ये मतलब है कि
जब कोई एक इंसान एब्सोल्यूट ओनर होता है किसी चीज का, वो उस पर राइट होता है उसे कैसे भी डिस्पोज करने का और एलिनिएट करने का, सेल से कर दे, गिफ्ट से कर दे, विल से कर दे, तो वो जिंदा है, वो अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी कैसे भी दे सकती है, ये उसकी अपनी मर्जी, अपनी प्रॉपर्टी है। स्त्री धन, और स्त्री धन क्या है, लेसी की स्त्री धन क्या है, अकॉर्डिंग टू मिताक्षरा स्त्री धन इज द प्रॉपर्टी गिवन बाई ब्राइड्स फादर, मदर, हस्बैंड, ब्रदर, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ और एनीबडी एल्स। कहले व्हाट वाज गिवन टू अ वुमन बाय द फादर और रिसीव बाय हर बिफोर द नप्शियल फायर और प्रेजेंटेड टू हर एट हर हस्बैंड मैरिज टू अनदर वाइफ एंड द रेस्ट इज डिनोमिनेशन स्त्रीधन। सो ऑल्सो दैट विच इज गिवन बाय किंडर्ड एज वेल एज हर मैरिज फी शुल्क एंड एनीथिंग बेस्टोड आफ्टर मैरिज इस हर स्त्री धन। तो स्त्री धन क्या होता है कि जब एक औरत जो है वो जो उसको कोई भी प्रॉपर्टी अपने मिताक्षरा स्कूल के हिसाब से, नॉट दया भागा, दो स्कूल बताया था मैंने, मिताक्षरा और दया भागा, तो मिताक्षरा स्कूल का स्त्री धन वो चीज़ है, वो प्रॉपर्टी है जो एक औरत को उसके बाप से मिली होती है, उसकी माँ से मिली होती है, उसके हस्बैंड से, उसके भाई से, उसके सास से, उसके ससुर से, या किसी भी औरत से। और कुछ भी अगर कोई प्रॉपर्टी शादी के बाद उसके हस्बैंड को, शादी के बाद, शादी से पहले मिली है अपने बाप से, या शादी के बाद अपने हस्बैंड से मिली है, या उसका हस्बैंड किसी और से, 1956 से पहले बाइगैमी अलाउड थी तो उसमें कोई वो इनवैलिड नहीं थी, अलाउड थी, तो उसकी अगर हस्बैंड किसी और शादी कर रहा और उसको जो प्रॉपर्टी दिया उस वक्त, या किसी और से भी, या फिर एक होता है कि दूर के रिश्तेदारों से जो प्रॉपर्टी मिली, या फिर जब उसकी शादी हो रही थी उसके माँ बाप ने शादी के एवज में उनसे पैसे लिए, मतलब उनका फी लिया था शादी का, तो वो ये सब जो है वो उसका स्त्री धन है और उसका ये एब्सोल्यूट राइट है, वो उसे जैसे भी चाहे वैसे डिस्पोज कर सकती है, किसी को बेच सकती है, किसी को गिफ्ट कर सकती है, किसी उसकी विल बना सकती है, सेल कर सकती है, उसकी अपनी मर्जी है। पर जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय अ वुमन वेदर फ्रॉम ए मेल और फीमेल इज नॉट हर स्त्री धन, जो इनहेरिटेंस से प्रॉपर्टी मिलती है ना कि गिफ्ट में मिलती है, वो सारी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस मतलब कि किसी की पहले थी फिर उस पर डिवॉल्व इनहेरिटेंस से मिली है उसको ये प्रॉपर्टी, वो उसकी स्त्री धन नहीं होती है। प्रॉपर्टी ऑब्टेन बाई वुमेन बाई एडवर्स पोजिशन वो उसकी स्त्री धन होती है। अब मान लीजिए कि इन द मेंटेनेंस ऑफ इन द लू ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस अगर हस्बैंड मर गया है, कुछ हो गया है, या फिर डिवोर्स हो रहा है, कुछ भी हो रहा है और उसको प्रॉपर्टी दी गई और उसने उसका रेंट नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, तो ये भी उसका स्त्री धन होता है क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी है वो तो उसकी है और जो रेंट है उसके मेंटेनेंस के लिए दिया, मेंटेनेंस क्यों दिया है, कैसे मेंटेनेंस होगा, तो रेंट जो आ रहा है, जो फेयर आ रहे हैं वो उस घर से, तो वो उसका स्त्री धन होता है। और जो भी प्रॉपर्टी वो अपने स्त्री धन से खरीदती है वो भी उसके स्त्री धन होती है। तो अब ये मिताक्षरा का देख लिया हमने कि क्या क्या स्त्री धन है। अब दया भागा में देखिए कि अकॉर्डिंग टू दया भागा स्कूल एनी प्रॉपर्टी विच डज नॉट कन्फर ए लिमिटेड स्टेट ऑन ए वुमेन इज नोन एज स्त्री धन। दया भागा क्या कहते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी है जिसमें उसको लिमिटेड ऑनरशिप, लिमिटेड ऑनरशिप का मतलब क्या होता है कि आप उसे इंजॉय कर सकती हैं, उसका मेंटेन कर सकती हैं, उसको मैनेज कर सकती हैं, पर उसको बेच नहीं सकती, उसको एलिमिनेट नहीं कर, डिस्पोजल नहीं कर सकती हैं आप किसी भी तरीके से, पर आप उसको इंजॉय कर सकती हैं, उसे लिमिटेड ओनर कहते हैं। तो द फॉलोइंग प्रॉपर्टी कहते जो ये लिमिटेड स्टेट कौन कौन सी है, प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाई इन, अभी बताया कि जो इनहेरिटेंस हमें प्रॉपर्टी मिलती है वो लिमिटेड ओनरशिप होती है, जो परचेज से लेते वो भी लिमिटेड होती है, पार्टीशन से लेते सीधे से वो भी लिमिटेड होती है। अकॉर्डिंग दया भागा ये चार प्रॉपर्टी जो है जो कि इनहेरिटेंस, परचेज, पार्टीशन एंड सीधे से मिलती है किसी भी वुमेन को, वो उसकी लिमिटेड प्रॉपर्टी होती है, वो उसका स्त्री धन नहीं होता है। अब स्त्री धन दो की उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है वुमेन की, तो इसका सक्सेशन भी होगा जब वो मरेगी, तो सक्सेशन भी होगा उसका क्योंकि एब्सोल्यूट ऑनर है उसकी, तो किस तरह से सक्सेशन होगा देखते हैं। जब कोई अनमैरिड वुमेन है और अभी बताया था मैंने कि प्रॉपर्टी किसी औरत को जब उसके पाप से मिलती है शादी के पहले तो भी वो उसका स्त्री धन होता है, जब वो अनमैरिड है तो जब वो मरेगी तो उसकी यूटराइन ब्रदर को जाएगा, जब तो अगर एक है एक, दो है दो। यूटराइन ब्रदर क्या होता है, जिनकी माँ एक होती है, बाप अलग हो सकता है, पर माँ दोनों सिबलिंग एक ही माँ से होंगे, तो दैट इज कॉल्ड यूटराइन, यूटर में यूट्रस, एक यूट्रस से जन्मे हैं, तो यूटराइन ब्रदर को जाता है, देन उसकी माँ को जाता है, देन फादर को जाता है, देन आगे हाई लो सो। अगर मैरिड है तो
अगर मैरिड है, पर इन केस उस शादी में जिसमें सुल्क लिया गया है, मतलब मैरिज फी ली गई है, उस केस में अगर वो मरती है तो फर्स्ट यूट्राइन ब्रदर को जाता है, फिर मदर को जाता है, फिर फादर को, एंड देन एयर्स ऑफ फादर को जाता है। और बाकी जो रेस्ट स्त्रीधन बचा, शुल्क हटा दिया, अनमैरिड हटा दिया, तो क्या जो भी स्त्रीधन और दूसरे टाइप का जो भी स्त्रीधन बचता है, अगर वो बचता है तो अनमैरिड डॉटर को जाता है। उसके बाद अगर अनमैरिड डॉटर नहीं है तो मैरिड डॉटर को जाता है। फिर उसके बाद डॉटर्स डॉटर को जाता है, मतलब नातिन को जाता है, या तो डॉटर के सन को जाता है, नाती को जाता है, या फिर उसके बाद बेटे को जाता है, या फिर बेटे के बेटे जाता है, इस तरह से वो चलता जाता है। तो समझ में आ गया कि स्त्रीधन क्या है। 1956 से पहले स्त्रीधन वुमेन की एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी थी, जिसे वो डिस्पोज भी कर सकती थी, एलिनिएट भी कर सकती थी। अब दूसरे टाइप की प्रॉपर्टी क्या है, विडोज स्टेट, ये उसकी लिमिटेड ऑनरशिप की प्रॉपर्टी है। शी इज ए लिमिटेड ओनर ऑफ इट एज शी कैन नॉट ऑर्डिनरी एलिनिएट इट लाइक कर्ता, शी कैन एलिनिएट इट ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस, जो मैं अभी आपको बताऊंगी, एंड ऑन हर डेथ इट डिवॉल्व अपॉन रिवर्जनर। रिवर्जनर क्या होते हैं, एयर ऑफ द लास्ट फुल ऑनर। अगर जो लिमिटेड प्रॉपर्टी होती है, अगर किसी भी विडो का हस्बैंड, किसी भी औरत का अगर हस्बैंड मर जाता है, तो वो जो प्रॉपर्टी उसे मिलती है, हाँ, वो उसे लिमिटेड उसमें मिलती है, रहने के लिए मिलती है, मैनेज करने के लिए मिलती है, पर एलिनेट करने के लिए, वो उसको रह सकती है, जी सकती है, लाइफ स्टेट है वो उसके, जब तक वो जिंदा रहे तो यूज करेगा, और उसके मरने के बाद वो उसके रिवर्जनर को चला जाता है। रिवर्जनर वो होते हैं हस्बैंड का ब्रदर हो गया। प्रॉपर्टी ऑप्टेन बाय इनहेरिटेंस एंड शेयर ऑप्टेन ऑन पार्टीशन इज ए लिमिटेड लिमिटेड ओनर ओनरशिप ऑफ द वुमेन। वाइल द लिमिटेड ओनर हैज अ राइट ऑफ पोजिशन, द राइट ऑफ मैनेजमेंट एंड राइट ऑफ एक्सक्लूसिव एंजॉयमेंट, सच ओनर डू नॉट हैव राइट ऑफ डिस्पोजल बाई एन इंटरव्यूअर्स। इंटरव्यूअर्स का मतलब होता है जब वो जिंदा रहे थे, दो लिविंग लोग के बीच में वो कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकती, जैसे कि सेल, गिफ्ट, विल, विच ओनली एब्सोल्यूट ऑनर पोजेसेस। फर्दर ऑन द डेथ ऑफ द लिमिटेड ओनर द प्रॉपर्टी गोज टू रिवर्जनर, वाइल ऑन द डेथ ऑफ एब्सोल्यूट ऑनर प्रॉपर्टी डिवॉल्व्स टू वंस ओन हेयर। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? ये कहने का मतलब है कि जब वो लिमिटेड ऑनर होती है तो उसकी पोजीशन में होती है, मैनेजमेंट में होती है, उसका एक्सक्लूसिव राइट है, बट वो बस उसे डिस्पोज नहीं कर सकती, एलिनेट नहीं कर सकती, उसके पास ये राइट नहीं है, क्योंकि ये राइट तो सिर्फ एब्सोल्यूट ओनर के पास है। और जब लिमिटेड स्टेट की विडो मरती है, कोई वुमेन मरती है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी जो मरती है, तो उसके बाद वो प्रॉपर्टी उसके रिवर्जनर्स को चली जाती है। रिवर्जनर वो जो होते हैं कि एयर ऑफ द लास्ट फुल ऑनर, मतलब हस्बैंड के जो सबसे हस्बैंड फुल ऑनर हो गया, तो उसके एयर्स हो जाएगी, मतलब उसके भाई को चली जाएगी। और जब लिमिटेड ऑनर की डेथ होती है तो रिवर्जनर को जाती है, पर एब्सोल्यूट ऑनर की जब डेथ होती है, जैसे कि एब्सोल्यूट ऑनर वो कब है, जब वो उसके पास स्त्री धन है, स्त्री धन की वो एब्सोल्यूट ओनर है, तो उसके जब वो उसके एयर्स के पास जाएगी, जैसे उसकी बेटी हो गई, बेटा हो गया, एलसेट्रा, भाई सक्सेशन से जाती है, ठीक है। पर जो विडो का स्टेट है, जो वुमेन का प्रॉपर्टी है जिसमें वो लिमिटेड ओनर है, वो उसे भी डिस्पोज ऑफ कर सकती है। ए फीमेल हाउएवर कुड एलिनेट हर लिमिटेड वुमेन स्टेट इन एक्सेप्शनल केसेस, लाइक लीगल नेसेसिटी के केस में। कैसे लीगल नेसेसिटी क्या होगी, डिपेंड करता है सिचुएशन पर जस्टिफाइबल जस्टिसाइबल होना चाहिए। मैरिज ऑफ डॉटर, मेंटेनेंस ऑफ मेंबर ऑफ फैमिली, रिलीजियस सेरेमनी ऑफ डिजीज हस्बैंड, पेमेंट ऑफ डेथ ऑफ हस्बैंड, ये सारी चीजें जो होती हैं वो लीगल नेसेसिटी में आती है। और इस केस में जो विडो है, जो लिमिटेड ओनर है, वो मैंने जो वो उसे बेच सकती है, मतलब उसे डिस्पोज कर सकती है। द एलिनेशन मेड बाई हर इन सच केस विल नॉट बी बाइंडिंग ऑन द विल बी बाइंडिंग ऑन द रिवर्जनर और कोपार्शनर। और जब वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में जो प्रॉपर्टी बेचती है, मतलब एलिनिएट करती है, तो जो कोपार्शनर होंगे, जो रिवर्जनर होंगे, जो क्लेम करते हैं कि नहीं ये प्रॉपर्टी नहीं जानी चाहिए, वो उन पे बाइंडिंग हो जाता है, कि क्योंकि शी हैज एलिनिएटेड अ प्रॉपर्टी आउट ऑफ
तो लीगल एसेस्टी जो भी उसके सर्वाइवल, जहां ज्यादा बड़ी तो सर्वाइवल नहीं होगी, प्रॉपर्टी नहीं होगी ना। प्रॉपर्टी क्यों होती है, चीजें वो डिस्चार्ज करने के, जब हस्बैंड का डेथ है तो उसकी प्रॉपर्टी से जाएगा ही जाएगा, उसे बेच के ही लाया जाएगा, तो क्या करे, अब सर्वाइव नहीं कर पा रहे, मेंटेन नहीं कर पा रहे, बेटी की शादी नहीं कर पाएंगे, तो प्रॉपर्टी तो उस केस में बेचनी ही पड़ती है और कोपास में उसके बाद मांगनी ही पड़ती है। और अगर कोई विडो जो लिमिटेड ओनर है अपने डेथ से पहले ही प्रॉपर्टी को नियरेस्ट रिवर्जनर को सरेंडर दे देती है कि नहीं आप ले लीजिए मुझे नहीं चाहिए, हैंड ओवर कर देती है प्रॉपर्टी को रिवर्जनर्स को, तो इसे सरेंडर कहते हैं। तो समझ में आ गया कि बिफोर 1956 से पहले, 1956 से पहले जो वुमेन्स की प्रॉपर्टी थी, स्त्री धन उसकी, सिर्फ जो स्त्री धन था वो उसकी एब्सोल्यूट ऑनर थी। अब वो स्त्री धन कम हो ज्यादा हो और ऑलमोस्ट ज्यादा नहीं हुआ करता था। और दूसरी प्रॉपर्टी वुमेन्स विडो स्टेट जिसकी वो लिमिटेड ऑनर थी, तो एक तरह से आप कह लीजिए कि वो प्लाइट ऑफ मेल पे ही रहती थी, उसका एज सच कोई राइट नहीं। दो इसमें लिखा है कि है कि उसकी स्त्री धन में एब्सोल्यूट ऑनर, पर स्त्री धन कहाँ कितना किसके पास होता है, तो कंडीशन जो थी फीमेल्स की वो ठीक नहीं थी। उसके बाद आया हिंदू सक्सेशन एक्ट। अब हिंदू सक्सेशन जब आया तो ये बहुत ही फंडामेंटल चेंजेस लेके आया हिंदू वुमेन की प्रॉपर्टी राइट में, मतलब तो कहिए बहुत ही रिवोल्यूशनरी था और हित में था वुमेन के, क्योंकि जो बी आर अम्बेडकर थे वो बहुत प्रोग्रेसिव थे और 1947 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन आया, कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वल राइट दिया वीमेन्स को, मेन वीमेन को जब इक्वल राइट है तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हो जाती थी चेंज करना। दो अभी तक सिचुएशन बहुत ज़्यादा बदली नहीं है, पर ये लॉ लाने से एटलीस्ट लीगल वेपन तो है वीमेन्स के पास कि वो एटलीस्ट अप्रोच कर सकती है। इससे पहले तो वो अप्रोच ही नहीं कर सकती थी कोर्ट को, और उन्हें करती भी थी तो उनको गलत माना जाता था कि इनको राइट नहीं है, जो वीमेन्स को राइट नहीं होता है, ये तो प्रॉपर्टी तो मेल की डोमेन है, उनके पास ही होनी चाहिए। पर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ने बहुत ही फंडामेंटल चेंजेस लाया कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन्स प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू इट सेक्शन सेक्शन 14 सब सेक्शन 1, एनी प्रॉपर्टी पोजेस बाय ए फीमेल हिंदू वेदर एक्वायर्ड बिफोर और आफ्टर द कमिशमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट शैल बी हेल्ड बाई हर एज ए फुल ऑनर देयर ऑफ एंड नॉट एज ए लिमिटेड ऑनर। कि ये सेक्शन कहता है कि जब ये एक्ट एग्जिस्टेंस में आया 17 जून 1956 के बाद, जो भी प्रॉपर्टी थी हिंदू फीमेल की, जो भी उसकी पोजिशन में थी, वो वेदर एक्वायर्ड पहले 1956 से पहले एक्वायर्ड किया या उसके बाद करेगी, कमिशमेंट ऑफ एक्ट के जो भी एक्वायर्ड करेगी वो उसकी फुल ऑनरशिप होगी। सिर्फ स्त्री धन नहीं, जो भी प्रॉपर्टी उसकी पोजीशन में है वो उसकी फुल ऑनरशिप होगी, फिर एब्सोल्यूट ऑनर होगी उसकी, ना ही लिमिटेड ऑनर होगी। और जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 में, वो कहता है कि द टर्म प्रॉपर्टी इंक्लूड्स बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाई ए फीमेल हिंदू बाई इनहेरिटेंस और डिवाइस और एट पार्टीशन और इन द लू ऑफ मेंटेनेंस और एरियर ऑफ मेंटेनेंस और बाय गिफ्ट फ्रॉम एनी पर्सन बिफोर एट और आफ्टर द मैरिज और बाय हर ओन स्किल और एक्सर्शन और बाय परचेज और प्रिस्क्रिप्शन और इन एनी अदर मैनर और एंड ऑल्सो एनी सच प्रॉपर्टी हेल्ड बाय हर एज ए स्त्री धन इमिडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो जो एक्सप्लेनेशन एड की गई है सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 में, वो ये बताती है कि हिंदू प्रॉपर्टी क्या क्या इंक्लूड करी। प्रॉपर्टी उसके हिसाब से दोनों इंक्लूड करती है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि उसके पास पहले से थी, इनहेरिटेंस से मिली उसे, या फिर पार्टीशन हुआ जब प्रॉपर्टी का तब मिली उसको, या ल्यू ऑफ मेंटेनेंस मतलब अपने आप को मेंटेन कर, या एरियर ऑफ मेंटेनेंस के रूप में मिली, किसी ने गिफ्ट दिया उसे, उपहार दिया उसे शादी के पहले, शादी के समय या शादी के बाद उसे जो भी मिली प्रॉपर्टी, या तो फिर उसने अपनी स्किल, अपनी जो भी स्किल है मतलब जॉब से एग्जर्शन से जो भी चीज़ें खरीदी उसने, प्रिस्क्रिप्शन से मिल गई उसे, और किसी भी अदर मैनर में, वो सारी प्रॉपर्टी उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है। और जो वो स्त्री धन उसने रखा है, स्त्री धन था उसका
1956 से पहले हिंदू शासन एक्ट वाली स्त्री धन था उसका, वो उसका एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, अब आइए सबसेक्शन टू क्या कहता है। प्रॉपर्टी गिवन विद लिमिटेशन, नथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन वन शैल अप्लाई टू एनी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय गिफ्ट विल और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट अंडर ए डिक्री और ऑर्डर ऑफ कोर्ट और अंडर ए अवार्ड वेयर द टर्म ऑफ गिफ्ट विल अदर इंस्ट्रूमेंट डिक्री और अवार्ड प्रिस्क्राइब ए रिस्ट्रिक्टेड स्टेट इन सच प्रॉपर्टी। इसका कहने का मतलब यह है कि ये सेक्शन सबसेक्शन ये कहना चाह रहा है कि जो प्रॉपर्टी किसी वुमेन को मिली है गिफ्ट से मिली है विल से मिली है अदर इंस्ट्रूमेंट से मिली है या किसी डिक्री में कोर्ट में या अवार्ड में प्रॉपर्टी मिली है और उसके साथ में अगर कंडीशन प्रिस्क्राइब कंडीशन है कि रिस्ट्रिक्टेड स्टेट है एंड प्रॉपर्टी है, लिमिटेड नहीं रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब कि अब आपको रिस्ट्रिक्शन के साथ मिली, कोई किसी ने आपको गिफ्ट दिया है या बिल दिया कि आप अपने लाइफ स्टेट तक यूज कर सकते हैं, आप इसे डिस्पोज नहीं करते, आपके मरने के बाद ये किसी और के पास जाती है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में ये होता है कि वो प्रॉपर्टी जो होती है वो उसकी एब्सोल्यूट नहीं होती, रिस्ट्रिक्टेड लिमिटेड प्रॉपर्टी जो है कि गिवन विथ लिमिटेशन है, तो उसको लिमिटेशन के साथ ही उसको ये प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है। मैं एक बात बता दूं यहाँ पे कि जो सेक्शन जो ये है सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 अप्लाइज वेयर ग्रांट इटसेल्फ इज द सोर्स और ओरिजिन ऑफ इंटरेस्ट क्रिएटेड एंड नॉट वेयर ग्रांटेड इज मेयरली डिक्लेरेटरी और डिफिनेटिव और प्री एग्जिस्टिंग राइट। मतलब कि जब जो राइट मिल रही है वुमेन को ये रिस्ट्रिक्टेड लिमिटेशन प्रॉपर्टी जो लिमिटेड प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट टाइम आना चाहिए, गिफ्ट मिला तो वो फर्स्ट टाइम राइट क्रिएट हुआ ना, किसी ने मुझे गिफ्ट किया तो पहली बार वो जो राइट है उस प्रॉपर्टी का मुझे पहली बार मिल रहा है। ये नहीं कि पहले से राइट था और बस उसको डिक्लेरेटरी की नहीं पहले वो मेरे हस्बैंड की फिर इनहेरिट होके मुझ पे आई फिर बस कि नहीं पहले को पास नहीं प्रॉपर्टी थी अब वो मर गए तो वो मेरे पे आई, डिक्लेरेटरी नहीं डिफिनेटिव नहीं कि अब तुम्हारा ये शेयर हो गया इतना शेयर तुम्हें मिल गया, उन केसेस में नहीं अप्लाई होता है। ये उन्हीं केसेस में अप्लाई होता है जब जो राइट है आपको प्रॉपर्टी वो पहली बार इसी इंस्ट्रूमेंट से मिलता है, भले वो गिफ्ट हो विल हो या फिर गिफ्ट हो विल हो अदर इंस्ट्रूमेंट हो जो भी हो कोर्ट का ऑर्डर हो डिक्री हो, तो वो डिक्री में भी जब मिलती है कोई प्रॉपर्टी जब वो कोर्ट ऑर्डर करता है कि नहीं तुम्हें लिमिटेड ओनर ही होना है मतलब रिस्ट्रिक्टेड ओनर ही रिस्ट्रिक्टेड स्टेट है ये, तो वो पहली बार उसके में ये वेस्ट होता है ये राइट आके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्री एग्जिस्टिंग राइट को सिर्फ डिक्लेरेटिव डिफिनेटिव नहीं होना चाहिए जो ग्रांट है, ये जो सोर्स है वो पहली बार ही राइट क्रिएट करना चाहिए। सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 विल अप्लाई इफ डॉक्यूमेंट मेरली रीअफर्म अ प्री एग्जिस्टिंग राइट विल नॉट अप्लाई। समझ में आ रहा है कि इन दिस केस अगर प्री एग्जिस्टिंग राइट पहले से है तो सेक्शन 14(2) अप्लीकेबल नहीं होगा, और फर्स्ट टाइम राइट क्रिएट हो रहा है तो वो उसकी राइट सेक्शन 14(2) अप्लीकेबल होगा उस राइट पे। द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 इज लिमिटेड टू ओनली दोज केस वेयर ए फीमेल एक्वायर्ड टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम। इसको हम क्लियर कर लेते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वेयर अंडर एग्रीमेंट हुआ है विडो टू के शेयर इन द स्टेट ऑफ ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी एज ए लाइफ स्टेट विथ ए वेस्टेड रिमाइंडर इन फेवर ऑफ अदर्स एंड देयर वॉज नो इंडिकेशन टू शो दैट शी टुक दोज प्रॉपर्टी फॉर हर मेंटेनेंस द केस फॉल अंडर सेक्शन 14 सबसेक्शन 2। जब अब एक एग्रीमेंट हो रहा है और विडो को ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में लाइफ स्टेट मिलता है विथ वेस्टेड रिमाइंडर इंटरेस्ट की जब वो मरेगी तो दूसरों में चला जाएगा, और ये कहीं भी नहीं लिखा है कि ये जो प्रॉपर्टी है उसको मेंटेनेंस के लू में द लू ऑफ मेंटेनेंस दी जा रही है कि तुम अपने आप को मेंटेन को फर्स्ट टाइम, पहले ऐसे नहीं कि पहले प्रॉपर्टी थी आप इस प्रॉपर्टी से अपने आप को मेंटेन कर रही है, ये पहली बार ही राइट क्रिएट कर रहे हैं जब वो अरेंजमेंट वो कर रहे हैं तो, और उसको ये प्रॉपर्टी वेस्ट होती है इस सेक्शन और लाइफ स्टेट के लिए मिला है उसे, मतलब रिस्ट्रिक्टेड ओनरशिप मिली है उसको उस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स अरेंज कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी डिवाइड कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं,
तो इस केस में सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल होगा, क्योंकि इसमें जो वुमेन है उसका राइट फर्स्ट टाइम उसे मिल रहा है. फीमेल एक्वायर्ड ए टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम एज ए लाइफ स्टेट इन द अरेंजमेंट इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ अरेंजमेंट. इस केस में सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 नहीं एप्लीकेबल होगा, हमें सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 ही एप्लीकेबल होगा. चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. ए शेयर ऑब्टेन बाय ए हिंदू फीमेल इन ए पार्टीशन इज अ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी फॉलिंग अंडर सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 इवन दो हर शेयर इज डिस्क्राइब्ड एज ए लिमिटेड स्टेट इन हर डिग्री और अवार्ड. समझ में आया क्यों? इसका ये कहने का मतलब है कि जब एक पार्टीशन होता है और उसको और हिंदू फीमेल को जो वो प्रॉपर्टी मिलती है जो कि उसने लिखा है डिग्री में अवार्ड में कि ये इसकी लिमिटेड स्टेट है, पर इसे सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 ही एप्लीकेबल होगा इस पे, उसका ये उसकी फुल प्रॉपर्टी हो जाएगी, इसकी कंप्लीट प्रॉपर्टी हो जाएगी, इसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी हो जाएगी. इसमें सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जो पार्टीशन हुआ था इसके राइट तो उससे ही पहले उसमें प्रॉपर्टी में था उसको, और भले ही कोर्ट डिग्री में उस कोर्ट ने जो भी लिखा हो कि लिमिटेड ऑनर है, नहीं है, जय लिमिटेड ऑनर होगी 1956 से पहले, पर उसके बाद तो ये इसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी हो जाती है. अब दूसरा देख लेते हैं. वेयर ए विल कन्फर्म ए लाइफ स्टेट अंडर सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 अप्लाइज एंड वेयर विल कन्फर ए फुल स्टेट सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 अप्लाई. अब कोई विल है, किसी ने अपनी विल बनाई है, ठीक है, 1956 से बाद या पहले किसी ने विल बनाई है और उसने उसमें कहा है कि ये जो वुमेन है ये इसमें लाइफ स्टेट लेगी, मतलब रिस्ट्रिक्टेड ओनरशिप लेगी, तो सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल है. पर जब वो कहता है कि इसमें ये फुल ऑनरशिप लेगी, फुल स्टेट लेगी, वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं, फुल स्टेट लेगी, तो इसमें सबसेक्शन 2 सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल होता है. द हिंदू सेक्शन एक्ट ओवरराइड्स द विडो रीमैरिज एक्ट और एनी अदर एक्ट वंस हर लिमिटेड स्टेट बिकम्स हर फुल और एब्सोल्यूट स्टेट. By virtue of section 14, a Hindu female can alienate it by a gift or otherwise. तो जब हिंदू सेक्शन एक्ट इन्फोर्स हुआ, जब आया इफेक्ट में, उसके बाद से जब भी वो जितने भी एक्ट पहले थे कि अगर विडो रीमैरिज कर ली तो उसकी प्रॉपर्टी की राइट चली जाती है, उसकी लाइफ स्टेट चली जाती है, उसकी ऑनरशिप नहीं रहती है, जो भी कंडीशन थे वो सारे वो ओवरराइड कर गया, और विडो रीमैरिज एक्ट का जितने प्रोविजन थे उसको वो ओवरराइड कर गया. अब सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग एक बार अगर कोई विमेन एब्सोल्यूट ऑनर हो जाती है बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 14, ये उसकी खुद की एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है, उसको जैसे चालीनेट करे, जिसको चाहे गिफ्ट दे, बेच दे, विल बना दे, जो चाहे कर दे, वो उसकी अपनी मर्जी होती है. फिर सेक्शन 14 हैज बीन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि ये जब इफेक्ट में आया एक्ट 1956 में, उसके बाद के लिए तो वो एप्लीकेबल है ही, उसने ये सारी बातें कह दी, पर उससे पहले भी अगर किसी वुमेन के पास प्रॉपर्टी है तो वो उन पे भी वो लागू किया गया, जो भी उनकी पोजीशन में प्रॉपर्टी थी उसे एब्सोल्यूट ओनरशिप बना दी गई उनकी. तो ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है इसका. एक्ट बनने से पहले के समय, जो पहले समय था उस पे भी इन्होंने एप्लीकेबल कर दिया. बहुत कम एक्ट्स में ऐसा होता है जिसे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते हैं हम, पर इस एक्ट में दिया गया है. पर इसके लिए भी टू कंडीशंस होती हैं. ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी मस्ट वेस्ट इन हर एंड शी मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ स्टेट व्हेन एक्ट केम इनटू फोर्स. दो कंडीशन ये है कि ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी उसके में वेस्ट होनी चाहिए, उस वुमेन में वेस्ट होनी चाहिए, उसके अंदर होनी चाहिए, वो लीगल कैपेबिलिटी में उसने उस ओनरशिप होनी चाहिए उसके अंदर, और वो उसकी पोजीशन में होनी चाहिए जब ये एक्ट केम इनटू फोर्स. जब वो एक्ट का जब एक्ट बना ये 1956 में 17 जून के बाद के समय, वो प्रॉपर्टी उसकी पोजिशन में होनी चाहिए. शी मस्ट बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, दैट इज शी मस्ट हैव एक्वायर्ड टाइटल टू इट. मतलब वो ओनर चाहिए प्रॉपर्टी, उसकी टाइटल जो है वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे होनी चाहिए, तभी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उस पर लागू किया जाएगा. द प्रॉपर्टी मस्ट बी इन हर पोजिशन लीगली. द टर्म पोजिशन हैज वेरी वाइड एरिया एंड इंक्लूड
एक्चुअल पोजीशन और कंस्ट्रक्टिव पोजीशन. कंस्ट्रक्टिव पोजीशन तब होता है जब आप लीगली किसी प्रॉपर्टी के राइट में होते, पर उसका पोजीशन आपके ट्रेसपासर के पास होता है. किसी गलत इंसान ने आपको डिस्पोजेस कर दिया और वो प्रॉपर्टी उसने अपने पास रखी है, पर आप लीगली इंटाइटल हैं उस प्रॉपर्टी की, वापस आपके पोजीशन में नहीं है, तो वो ये कंस्ट्रक्टिव पोजीशन होता है. या फिर आपने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज को दी है, या फिर लाइसेंसी को दी है, या लीज को दी है, तो इन सब में क्या होता है कि आप इसकी कंस्ट्रक्टिव पोजीशन में होती है और ये एप्लीकेबल होता है. द टर्म पोजीशन इज को एक्सटेंसिव विद ओनरशिप. दस व्हेनेवर वुमेन हैज ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी वेस्टेड इन हर, शी विल बी डीम्ड टू बी इन पोजीशन. जब ओनरशिप आपके पास है, जब लीगली टाइटल आपके पास है, तो ये ऑटोमेटिकली समझा जा सकता है कि पोजीशन भी आपके पास है, भले ही वो आप एक्चुअल पोजीशन में है या फिर कंस्ट्रक्टिव पोजीशन. कंस्ट्रक्टिव पोजीशन मैंने अभी आपको समझाया कि आपके ट्रस्ट पासर के पास है, या फिर आपने मॉर्गेज कर दी है उस प्रॉपर्टी को, या फिर लीज पे दे दी है उस प्रॉपर्टी को, या फिर लाइसेंसी को दे दी, तो किसी को दे दी है, पर वो एक्चुअल पोजीशन वो आपके अंदर ही वेस्ट करता है. अब यहाँ पे एक केस लॉ देखते हैं. केस लॉ की स्लाइड मैंने नेक्स्ट में डाली है, आप देख सकते हैं. तो यहाँ पे केस लॉ देख लेते हैं. इन मंगल सिंह वर्से रत्नो AR 1967, a widow who has entered into a possession of land belonging to her husband. एक मिनट. Husband in 1946 and had been illegally disposed by her husband brother in 1954. Brought and sued for possession. During the pendency of suit, Hindu Succession Act came into force and widow died in 1958 and her legal representative carried on the battle. Held that since the land was possessed by widow in a constructive sense, क्योंकि ट्रेसपासर है, उन्होंने जबरदस्ती इलीगल तरीके डिस्पोज़ किया था विडो को, तो व्हेन शी डाइड इन 1958 हर लीगल रिप्रेजेंटेटिव सक्सीड. इस केस में ये हुआ था कि मंगला सिंह वर्सेस रत्नो जो 1967 का केस है, जब एक वुमेन का, हिंदू वुमेन का हस्बैंड मरता है, तो विडो होती है, वो अपने पति के प्रॉपर्टी पे लैंड पे चली जाती है 1946 में. पर उनके जो ब्रदर होते हैं, ब्रदर वाई रिवर्जनरीज, तो वो क्या करते हैं कि इलीगल तरीके से उन्हें वहां से हटा देते हैं 1954 में. तो इस पे जो विडो होती है वो केस करती है, कोर्ट में केस करती है अपने प्रॉपर्टी के लिए. जब वो केस पेंडेंसी में था, तब हिंदू सक्सेशन एक्ट आया और 1950 से एक्ट आया, और जो विडो थी वो 1958 में मर गई. तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो थे विडो के, उन्होंने लड़ाई आगे लड़ी और कोर्ट ने ये कहा कि जब वो हिंदू सेक्शन एक्ट आया, जो वुमेन थी वो कंस्ट्रक्टिव पोजीशन में थी, मतलब जो उनके जो देवर ने, ब्रदर ने इलीगल तरीके से उसका पोजीशन उससे ले लिया था, वो गलत था. वो तो अगर लीगल सेंस में माने तो शी वॉज स्टिल इन पोजीशन एट द टाइम व्हेन हिंदू एसोसिएशन एक्ट केम इनटू फोर्स, और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो प्रॉपर्टी लेंगे, ना कि उनका भाई. इतना समझ में आ गया. चलिए दूसरा केस लेते हैं. तेजा सिंह वर्सेस जगत सिंह 1970 का केस है. इसमें हिंदू फीमेल होती है जो उसकी प्रॉपर्टी होती है, ये हिंदू एसोसिएशन एक्ट आने से पहले 1946 से पहले वो उसे एलिनेट कर देती है, पर जो कोर्ट होता है उस एलिनेशन को इनवैलिड मानता है. कंसिक्वेंट टू विच द पोजीशन इज रिकन्वेट टू हर. अब वो उसे बेच तो सकती नहीं थी, तो जो पोजीशन एलिनेशन था वो वापस उसी के पास आ गया, उसी में वेस्ट हो गया. अब जो ये डिफेक्ट था वो विडो का, कि वो उसकी एब्सोल्यूट ओनर नहीं हो सकती है, हिंदू सक्सेशन एक्ट आ गया 1956 में, और वो उसकी जो रिकन्वेट प्रॉपर्टी थी वो उसकी एब्सोल्यूट ऑनर बन गई. सो द राइट ऑफ रिवर्जनरीज डिफीटेड है. जो रिवर्जनरीज थे 1956 से पहले, अभी होता था कि वो तो विडो थी, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो लाइफ स्टेट है उसकी, मतलब लिमिटेड ऑनर है, वो उसको एलिनेट नहीं कर सकती है. उनके बनने के बाद ये रिवर्जनरीज पे जाएगा. रिवर्जनरी कौन थे, बताया था मैंने, कि जो फुल ओनर के एयर्स. तो उनको ये लगा कि जब ये मर जाएगी तो प्रॉपर्टी मेरी होगी, पर इन बिटवीन आ गया हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, और ये प्रॉपर्टी जो थी उनकी वो उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी बन गई, वुमेन की वो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी बन गई.
जब एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी बन गई तो अब ये उसकी एब्सोल्यूट नॉनर हो गई बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 14 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट. और जो रिवर्सरीज का राइट था कि हमारा है वो डिफीट हो गया, वो तो बस उनका एक मेयर चांस ऑफ सक्सेशन हो गया, उसपे वो विच में और मे नॉट बी एक्रू टू हिम. तो बस यही था. Thus, if a woman make a gift before 1956 and there had been a gift back to her in 1954 or in 1959 and the defect is cured, अब जैसे कि अब किसी वुमेन ने गिफ्ट किया 1956 से पहले और वापस किसी ने गिफ्ट कर दिया उसको 1956 से पहले या फिर 1959 में भी किया, इन दोनों केस में वो उसकी एब्सोल्यूट ऑनर हो गई, क्योंकि वो जब हिंदू सक्सेशन एक्ट आया इफेक्ट में तब तक वो उसकी वो पोजीशन में था, उसकी अब गिफ्ट उसे वापस मिल गया तो वो उसके में वेस्ट भी था, टाइटल भी उसमें वेस्ट था, तो इसीलिए वो उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी बन जाती है जब हिंदू सक्सेशन एक्ट आया और वो उसकी लिमिटेड ऑनर नहीं रह जाती है. सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में ये कहा कि हिंदू सक्सेशन एक्ट का जो ये सेक्शन 14 है वो फीमेल के लिए बहुत ज़रूरी था और उनके उनके प्रॉपर्टी की राइट के लिए फंडामेंटल चेंजेस लेके आया, एकदम रिवोल्यूशनरी था, क्योंकि उससे पहले वो कभी कोई प्रॉपर्टी राइट वो कभी कुछ कर ही नहीं सकती थी, वो कभी कोई प्रॉपर्टी किसी को दे ही नहीं सकती थी. तो हिंदू सक्सेशन एक्ट ने बहुत बड़ा काम किया, सेक्शन 14 उसमें उन्होंने इंक्लूड किया, सेक्शन 14 इंक्लूड किया क्या कि वुमेन को एब्सोल्यूट ऑनर बनाया जा सके, ताकि उन्हें राइट कुछ राइट दिए जा सके जिससे वो अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी दे सकती हैं, बेच सकती हैं, गिफ्ट कर सकती हैं, विल बना सकती हैं, जो चाहे कर सकती हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 14 दिया हुआ है हमें इक्वालिटी हर चीज़ों की, तो कुछ राइट तो हमें भी एट पार लाने के लिए उन्होंने ये दिया हमें. अब एक रीसेंट केस में ही 2006 में संतोष वर्सेस सरस्वती बाई कोर्ट ने कहा कि जो भी प्रॉपर्टी वुमेन को मिलती है इन द ल्यू ऑफ मेंटेनेंस वो उनकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है. सुप्रीम कोर्ट का क्लियर क्लियर स्टैंड है कि इस सेक्शन 14 के ऑब्जेक्टिव को इफेक्टली दिया जाए, उसको इफेक्टली उसको बार बार अच्छे से यूज किया जाए, क्योंकि ये जो सेक्शन है वुमेन को लीगली एम्पावर करता है. तो ये जो प्रॉपर्टी राइट है हिंदू फीमेल का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट राइट है फीमेल्स के लिए और ये राइट हर किसी फीमेल को जानना चाहिए. कंडीशन 1956 से पहले बहुत डिफरेंट थी हिंदू, जो मॉडर्न हिंदू लॉ है सक्सेशन का वो बहुत इजी है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं है और सारे हिंदुओं पे एट पार एप्लीकेबल होता है. पर जो ओल्ड हिंदू लॉ था वो बहुत ऑर्थोडॉक्स था और कस्टमरी लॉ तो हर चीज़ का अलग अलग होता ही है. और आज के सिनेरियो में एक इंसान को वो वेदर मेल और फीमेल हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अपनी लीगल राइट्स ज़रूर पता होने चाहिए. अनटिल अनलेस आपको अपने लीगल राइट्स पता नहीं होंगे आप कभी क्लेम नहीं कर पाएंगे, और वीमेन के केस में तो ये एब्सोल्युटली नेसेसरी हो जाता है कि उन्हें अपनी राइट पता हो. और मेरा मोटिव भी बनाने का ये कहीं ना कहीं ये वीडियो था कि जो नहीं जानते हैं, जो जानना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच भी जाए. और मैं जैसा मैंने बताया ये एग्जामिनर का, भले ही वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, ये उनका फेवरेट टॉपिक है. वो ये बार 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 ये पूछते ही हैं कि क्या चेंजेस लाया, क्योंकि ये बहुत बड़ा चेंज था प्रॉपर्टी राइट में, सक्सेशन में हिंदू फीमेल्स को राइट देना. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.